आपका यहाँ पे स्वागत सत्कार हुआ आपका, और कैसे कितना अच्छा लगा यहाँ पर आकर? फर्स्ट मैं यही बोलूँगी कि मतलब हमेशा हर कोई वेलकम करता है, बट इन लोग का वेलकम जो था ना वो बहुत प्यारा था, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे उसमें किसी आई हूँ। लेकिन एक जो बुलाने को तो हर कोई बुलाता है, लेकिन एक होता है कि आप जो वेलकम करते हो बहुत प्यार से, बच्चे सारे इकट्ठा हो गए, वो सारी चीज़ें जो होती है ना बहुत अच्छा लगता है, और अपने आप को लगता है यार इस बार हम आए हैं, नेक्स्ट टाइम अगर कोई बुलाए या ना बुलाए अपने आप खुद आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं जिनके लिए यहाँ पे हर कोई, ज़रूरी नहीं होता कि आपका जब कोई इन्विटेशन दे तो आ पाओ। और इतनी प्यारी जगह में इन लोगों ने 50 साल यहाँ पे पूरे कम्प्लीट हुए हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगी हमेशा आना यहाँ पे, और आप सबके लिए भी अच्छा हो। पप्पा जी कुछ ना कुछ आप लोग के लिए भी अच्छा करें, हमारे लिए भी अच्छा करें, हम सबके लिए अच्छा करें। दुआ मांगी आपने? दुआ वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। मांगने को तो हर कोई मांगता है, लेकिन वो बताया नहीं जाता, वो मैं भी नहीं बताऊँगी। जी जी, क्या कुछ कह रहे हैं मैम अगर बताना चाहें तो? नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं, चलो थैंक यू। हाँ सर, यहाँ पर मैम आई है, क्या कहना चाहेंगे सर? हमको बहुत बहुत खुशी हो रही है मैम आई है हमारे उधर 50 साल के उत्सव में, इसके लिए हम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपने आगे भी बुलाया है इनको कि आने के लिए? हाँ, हमने मैम को बुलाया है, इन्विटेशन दिया है। मैम प्रॉमिस आप करें दोबारा वापस आएंगे यहाँ पर? पक्का आऊँगी, अगर सर मुझे बुलाएंगे तो बहुत अच्छा। मैडम मैं आपका घर का ही बुलाने की जगह होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको जब कोई इन्वाइट करे या बुलाए तो ही आपको आना चाहिए, अगर आपको वो जगह अच्छी लगती है तो आपको अपने आप ही आना चाहिए, और आप सबको आना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच।